अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डीप क्योरेट आर्च के बारे में। डीप क्योरेट आर्च क्या होता है? इट इज बेसिकली डीप क्लीनिंग ऑफ योर पेरियोडोंटल पॉकेट। जो आपके रूट पे बेसिकली गम्स होते हैं उनके अंदर सब जिंजिवली जाके डीप क्लीनिंग की जाती है। ये क्लीनिंग यूजुअली कब की जाती है? जब आपको एडवांस पेरियोडोंटल इश्यूज होते हैं या आपको जिंजिवाइटिस होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके जो गम्स होते हैं वो सॉलन होते हैं, रेड होते हैं और यूजुअली ब्रशिंग करने पर आपको ब्लीडिंग महसूस होती है। अब किन वजूहात की वजह से होता है? या तो आपको इन्फेक्शन होता है या कोई अंडरलाइनिंग डिजीज होती है, जैसे पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़ोर से विग्रसली ब्रशिंग करते हैं जिसकी वजह से आपके जो मसूड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को पेनलेस बनाने के लिए हम लोकल एनेस्थीजिया की हेल्प लेते हैं और हम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्केलर टिप्स 2 to 5 millimeter डीप क्लीनिंग करते हैं। और यूजली जो ये प्रोसीजर होता है ये एक विजिट में भी हो सकता है, बट अगर पुअर प्रोग्नोसिस हो या अच्छी हेल्थ ना हो तो इट मे टेक्स 1 to 2 visits. तो ये आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल है? ये आपके सबसे पहले जो जितने भी एडवांस गम डिजीजेस होने वाले होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके रूट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके मुंह से आने वाली बैड ब्रेथ को खत्म करता है। बेसिकली प्रोसीजर जो है आपको एडवांस गम डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, आपके रूट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद इन्फेक्शन से आपको बचाता है, इनफैक्ट आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करता है। अगर इस तरह के आपको भी जिंजिवल या गम्स के इश्यूज हैं तो आप भी हार्श डेंटल क्लिनिक विजिट करें। थैंक यू।